हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्री बोर्ड का पेपर। दोस्तों आपको ये पेपर देख लीजिए, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है ये पेपर बोर्ड के लिए। और ये सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th का है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना, बिल्कुल इसकी मत करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत पेपर है। जिन लोगों का प्री बोर्ड चल रहा है, सरस्वती विद्या मंदिर गए, तो सेम यही पेपर आएगा, तो पेपर को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। चलिए फाती इसका फुल सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक्शन है रीडिंग का है। रीडिंग में सबसे पहले आपको दिया हुआ है, कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है। कह रहा है लाइफ लाइफ ऑफ शिवाजी वाज फुल एक्शन, इस तरह दिया हुआ है। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए और यहाँ पे नीचे कुछ प्रश्न इससे पूछे गए हैं। जैसा कि प्रश्न आप देख सकते हैं, ये सारे प्रश्न के आपको आंसर देने हैं। इसका सारा आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो सारा आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी। ठीक है आपको, फिर उसके बाद सेक्शन बी राइटिंग में दिया हुआ है, राइट एन ए आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स 150 से 200, यानी लगभग आपको एक पेज लिखना होगा। एक पेज आप लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे किस किस टॉपिक पे आपको लिखना है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रोल ऑफ यूथ इन मॉडर्न इंडिया, द नेशनल लीडर हु यू लाइक मोस्ट, ये इन तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। फिर कह रहा है राइट ए लेटर टू एडिटर रिन्यूड डेली रिक्वेस्टिंग हिम टू हाईलाइट एंड डिफिकल्ट बीइंग फेस्ड बाय मेस ड्यू टू राइज इन प्राइस एंड डीप मेरा ए रेसिडेंट ऑफ नेताजी चौक फरीदाबाद। ठीक है, या अथवा एप्लीकेशन लिखना है टू योर इशूइंग ट्रांसफर सर टीसी के सर्टिफिकेट के इशू के लिए। ठीक है, फिर सेक्शन सी ग्रामर से पूछा गया है, एनी थिंग दैट लीड टू डेथ, इसे क्या कहते हैं, तो इसे आपको यहाँ पे पूरा लिखना होगा। ये वाला का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो वो आप देख के लिख लीजिएगा। फिर द फ्रेज बिहाइंड वार्स मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है और दो आपको लिख लेना होगा। द सिनोनियम ऑफ फीबल मीन्स, इसका मतलब आपको फीबल मतलब लिखना है। फिर उसका डू नॉट राइज इन गार्डन स्मेल देन दोज आवर्स विच आर सेंटेंस ऑफ एन इरर, मतलब इसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो इरर में है, उसी को आपको यहाँ पे बताना है, उस सेंटेंस को दिया हुआ है। फिर द एंटोनियम्स ऑफ क्रूक्ड इज, तो क्रूक्ड मतलब क्या होता है, इसका आपको लिखना होगा यहाँ पे, दो जो आंसर सही हो से आपको लगा देना है। फिर चेंज एनी वन ऑफ फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब दो दिया हुआ है, कोई एक सा आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इसके लिए आपको दिए जाएंगे दो नंबर। कंबाइन, इसको कंबाइन करना है फॉलोइंग एज डायरेक्टर इन सिंपल सेंटेंस में, इसे कंबाइन करना है, जैसे भी होगा आप यहाँ पे देख के कर लीजिएगा, दो दिए हैं कोई एक सा करना है। फिर कह रहा है ट्रांसफॉर्म करना है, प्लीज शट द डोर, मतलब इसे ट्रांसफॉर्म करना है, पैसिव वॉइस में यहाँ पे पूछा गया है, पैसिव वॉइस में इसे ट्रांसफॉर्म करना है, दोनों में से कोई एक सा, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप इसे बना सकते हैं। फिर करेक्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब इन दोनों में से कोई एक सा हमें करेक्ट करना है, वो कौन सा होगा आप देख के यहाँ पे कर लीजिए। यूज एनी वन फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स इन ओन सेंटेंस टू मेक डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर टू बी बी वी वी, मतलब यहाँ पे होना होता है, और बी मतलब मक्खी होता है, डिसीज मतलब बीमारी, और डिसीज मतलब एक आप देख लीजिए। ठीक है, हम परिवर्तन के दौर में हो रहे हैं, इसका हमें ट्रांसलेशन करना है। पांच नंबर में दोस्तों पूछा गया है ये, जी हाँ दोस्तों पांच नंबर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सेक्शन डी लिटरेचर से पूछा गया है, फ्लेमिंगो आपको दिया भी होगा, उसमें से यहाँ पे दोनों में से कोई तीन दिए हुए हैं, तीनों में से कोई एक सा आपको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, जैसे आप तीन देख सकते हैं, ये तीन दिए हुए हैं, इन तीनों में से कोई दो आपको करना होगा। फिर यहाँ पे एक लॉन्ग आंसर सात नंबर में दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक सा आपको करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 9, रीड द आंसर एंड गिविंग बिलो द क्वेश्चन, यहाँ पे एक स्टेंजा दिया हुआ है और इस स्टेंजा से कुछ क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं, इन्हीं क्वेश्चन का हमें देना होगा आंसर, इसी स्टेंजा में सारे आंसर इसके हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे राइट एंड सेंट्रल आइडिया, बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ए थिंग का ब्यूटी जरूर आ सकता है और आया भी हुआ है, आंट जूनिफर स्टाइगर, और ये इन तीनों में से एक सा फंस जाता है। फिर उसके बाद दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग ऑफ 40 वर्ड्स ईच, इन तीनों में से कोई दो आपको आंसर देना है, सप्लीमेंट्री रीडर का है, और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है इन दोनों में से कोई एक सा आपको आंसर देना होगा। ठीक है, दोनों में से चाहे जो सा भी आप आंसर दे सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे प्री बोर्ड के पेपर आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।